Assalamualaikum. So our lecture one was about chapter one, which was introduction to control systems, and we discussed the very basics. We ended up with kind of inputs that we will have for our system. In today's lecture, we're going to move towards chapter number two. And in chapter number two, we're going to basically discuss अबाउट मैथमेटिकल मॉडल्स कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसी होती है. चैप्टर नंबर टू मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो दो तरीके से होती है. एक जो है आपका ट्रांसफर फंक्शंस के थ्रू होती है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और दूसरा जो है वो स्टेट स्पेस के थ्रू होती है टाइम डोमेन में. सो चैप्टर नंबर टू इज अबाउट ट्रांसफर फंक्शंस एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, वेल चैप्टर नंबर थ्री इज अबाउट स्टेट स्पेस मॉडलिंग. सो इन चैप्टर नंबर टू वील बी मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज दैट इज द टेक्निक दैट वी नॉर्मली यूज इन कंट्रोल सिस्टम्स फॉर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस. So while talking about Laplace transform, whenever we talk about Laplace transform, so it is definitely coming from time domain into the frequency domain, or from going back from the frequency domain into the time domain. So Laplace transform ki hum basically pehle definition discuss karenge, followed up by transformation table ki matlab time domain or frequency domain mein kya relationship hai or the pairs. And that we are going to talk about some theorems and then the nth order systems and inverse Laplace transform. So all the basics that you've already studied in signal and system, these are exactly parallel to the way you talked about Fourier transform or Fourier series. So Laplace transform is the same thing almost. Before going into depth, I would like to discuss ki agar hamare paas Fourier transform hai, to hum Laplace transform pe kyun aaye? What was the basic reason? सो नाउ वी आर लुकिंग एट द फैक्ट कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है. ऑलरेडी हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है. सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म, इफ यू लुक एट द फोरियर ट्रांसफॉर्म, और लेट मी गो बैक एंड एक्सप्लेन अ बिट. कंट्रोल सिस्टम्स, द कोर्स दैट वी आर स्टडिंग, वी आर राइट नाउ स्टडिंग कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स. कंट्रोल सिस्टम्स इन द रियल लाइफ, इन द रियल लाइफ सिस्टम्स आर कॉन्टिन्यूस. सो वी टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स, और कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स और कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए एनालिसिस टूल क्या है, फ्रिक्वेंसी एनालिसिस टूल क्या है. फ्रिक्वेंसी एनालिसिस टूल्स दैट वी हैव आर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ व्हाई थ्री टूल्स, व्हाई नॉट वन टूल? सो लेट्स गो टू फोरियर सीरीज. Fourier series is basically only for periodic signals. If you look at the formula, so the formula is over one time period. You go back to your signal and system books and you open that and you see the formula. So you will see that it is integrable over only one time period. So if it is integrable only over one time period or phir aap, so it means you are only talking about a periodic signal. Now, in order to cater both periodic and aperiodic signals, आप क्या करते हैं, यू स्टेप फॉरवर्ड. आप कहते हैं नहीं, आई एम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आई एम नॉट एवरेजिंग इट आउट ओवर वन टाइम पीरियड ओनली. सो इफ यू आर लुकिंग एट द इंटायर टाइम डोमेन, इट मींस यू कैन केटर बोथ पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल. और ये फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का गिवन है ऑन द राइट हैंड साइड एट द टॉप इन द बॉक्स इसी स्लाइड में. तो अगर आप देखें, आपके पास एक्स ऑफ टी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बेसिस फंक्शन से विच इज एक्चुअली अ फेजर, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फेजर का मैग्नीट्यूड क्या है, वन, और ये एक्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड देन यू आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट रिड ऑफ टाइम एंड गेट द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली समेबल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, अदरवाइज द सोल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है जी. तो अब लिमिटेशन क्या आ गई फोरियर ट्रांसफॉर्म पे? फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ये लिमिटेशन आ गई है जनाब कि आपके पास इफ अ सिग्नल इज एब्सोल्युटली समेबल, यानी इफ दिस फंक्शन इज कन्वर्जेंट, ओनली देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट. एंड दैट इज द लिमिटेशन सो ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. के फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है पीरियोडिक और एपीरियोडिक दोनों को तो हैंडल करता है, हाँ करता है, लेकिन ये डाइवर्जेंट सिग्नल को नहीं करता. सो हम फिर लाप्लास की तरफ मूव करते हैं जो पीरियोडिक एपीरियोडिक के साथ कन्वर्जेंट और इन अ लिमिटेड मैनर डाइवर्जेंट सिस्टम्स को भी एनालाइज करके हमें दे सकता है. सो नाउ लेट्स कंपेयर द फॉर्मूला ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो द फर्स्ट बॉक्स ऑन द राइट इज द टॉप बॉक्स इज बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द lower box is basically Laplace transform. So अगर आप देखें यहाँ पर j omega,
जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है एस से, फोरियर ट्रांसफॉर्म में जे ओमेगा है और फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इट इज एस. सो व्हाई एस? एस से क्या फर्क पड़ता है भाई? ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह की जगह आप दूसरी चीज लगा ले, जस्ट लाइक द सेम फॉर्मूला. लेकिन इफ यू लुक एट एस, तो एस इज बेसिकली सिग्मा प्लस जे ओमेगा. सो बेसिकली क्या बनता है? एक्सपोनेंशियल की पावर में ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा. अब आयोटा ओमेगा इंटू टी अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल को अगर आप स्प्लिट करें तो इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी. ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी भाई फेजर है, लेकिन ये जो ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी है बेसिकली क्या है? ये इट इज अ रियल क्वांटिटी, एंड व्हेन इट इज अ रियल क्वांटिटी सो इट इज रेफरिंग टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा. सो अब जो पूरा जो इंटीग्रल है वो सिर्फ एक्स ऑफ टी के कन्वर्जेंस पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि वो एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी मल्टीप्लाई करके अगर ये प्रॉपर सॉल्यूशन कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. इट मींस कि अगर एक्स ऑफ टी डाइवर्ज भी कर रहा है लेकिन हम उससे ज्यादा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल रियल एक्सपोनेंशियल से उसको मल्टीप्लाई करें, सो मे बी दोनों का मल्टीपल विल गिव अस अ कन्वर्जेंट सॉल्यूशन. सो आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर इन द अपकमिंग क्लास. आई थिंक आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट फिजिकली एंड देन यू विल बी एबल टू सी, और आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन द अपकमिंग स्लाइड. अच्छा जी, अब हम एक ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, इट्स अ वेरी जनरल एग्जांपल. ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, दिस इज आवर फंक्शन. नाउ दिस एक्स वन ऑफ टी, इट कैन रिप्रेजेंट अ इनपुट सिग्नल और इट कैन रिप्रेजेंट अ सिस्टम. अगर ये एक इम्पल्स रिस्पांस है तो फिर ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये एक सिग्नल है तो फिर ये सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा एनीवेज, ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी फंक्शन हमें गिवन है इस वक्त. e raised to the power minus a t u of t. So, पहले हम u of t को देखते हैं. u of t is a unit step function. It is 1 for t greater than 0. यानी 0 से लेकर infinity तक, it is a 1 straight. और for t less than 0, यानी minus infinity से 0 तक, when you are approaching 0 from the negative side, so this is a 0, unit step function. अच्छा जी, और e raised to the power minus a t जो है, अगर आप देखें तो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल, और ये एक्सपोनेंशियल अगर रियल एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है अगर ए की वैल्यू रियल है, और ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है इन केस ए इज कॉम्प्लेक्स. सो इस टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं कि जी भाई ए रियल है. अच्छा जी, अगर ए रियल है तो ई रेज टू पावर माइनस ए टी जो है ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, कि ई रेज टू पावर माइनस ए टी डाइवर्जेंट भी हो सकता है. कैसे? लेट्स से ए जो है इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. द डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखें रियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द डायग्राम अबाउट विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ. सो हम कहते हैं ए इज पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो. अगर ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर आपके पास ई रेज टू पावर माइनस ए टी, ए भी पॉजिटिव है, टी भी जीरो से इन्फिनिटी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है. सो ये एक्सपोनेंशियल जो है ए कॉन्स्टेंट है, टी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ए मल्टीप्लाइड बाई टी बड़ी क्वांटिटी आती जाएगी, लेकिन जो माइनस का साइन है वो उसको नेगेट कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस ए टी इज गोइंग टू कन्वर्ज. और इसीलिए जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे पहली डायग्राम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके पास एक कन्वर्जेंट सिग्नल बन रहा है. अब अगर आप सेंटर पे आए, यानी ये जो आपकी टूवर्ड्स राइट हैंड साइड जो डायग्राम नंबर टू है, इसमें ए की वैल्यू रियल ऑफ ए इज लेस देन जीरो, सो इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. व्हेन ए इज अ नेगेटिव क्वांटिटी तो एक्सपोनेंशियल की पावर ई रेज टू पावर माइनस ए टी, अच्छा जी टी पॉजिटिव है, जीरो से इंफिनिटी इट इज पॉजिटिव, ए इट सेल्फ इज नेगेटिव, ए इज अ कॉन्स्टेंट इट इज नेगेटिव, और ए के साथ जो साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ए टी के साथ वो माइनस है. सो माइनस का साइन ए भी नेगेटिव, दोनों माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे और टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव रहेगी. और जैसे ही टी when exponential approaches infinity, sorry, when t approaches infinity, the exponential will also approach infinity. Why? Because exponential is to the power infinity then. And that's why this is a divergent signal. In case number one, when real of a was greater than zero, in that case, as it was convergent, Fourier transform exist karta tha. But in case number two, when real of a is less than zero, in that case, it is a divergent signal and Fourier transform will not exist. But the Laplace transform will exist. And what will be the solution? The solution is given in the bottom. कि आप कोई भी ऐसा रियल ऑफ एस चूज करें जो ग्रेटर है
नेगेटिव टाइम्स रियल ऑफ एन, दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन. अब आप कहेंगे भाई ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये तो हमें समझ ही नहीं आई. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और वहां पर डिस्कस करते हैं स्लाइड नंबर 6 में कि हाउ आर वी गेटिंग दिस सॉल्यूशन. इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टॉप पे हम लोगों ने एक्स ऑफ एस यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ. अब जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी रिच पर माइनस एस टी डी टी है. यहाँ पर इक्वेशन नंबर 9.10 में हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया कि x ऑफ t की जगह e रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ t लिखा है. और फिर हमने क्या किया, इफ यू गो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड इन द सेम इक्वेशन तो हमने लिमिट्स u ऑफ t हमने ओमिट कर दिया है और u ऑफ t की जगह हमने लिमिट्स को एडिट किया है. हमने लिमिट क्या ली, जीरो से इन्फिनिटी. क्यों, क्योंकि u ऑफ t माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक क्या है, जीरो. सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो विल बी जीरो और इंटीग्रल विल ऑल्सो बी जीरो, तो उसको एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं. एवेल्युएशन किसकी जरूरत है, जहां पर u of t 1 है यानी यहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो कौन सी साइड है, जीरो से इन्फिनिटी, पहली बात. दूसरी बात ये है कि हमने यहां पर क्या किया, एक u of t को ओमिट कर दिया, उसकी वजह से हमने लिमिट्स को ऐड कर दिया. साथ ही साथ हमने क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया कि हमने एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस एटी और e रेज़ टू पावर माइनस एसटी में हमने एक्सपोनेंशियल की दोनों एक्सपोनेंशियल्स थे, हमने बेस सेम करके पावर्स को ऐड कर दिया. अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एस को रिप्लेस किया सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा से. जब हमने एस को सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस किया तो सिग्मा इज अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी और आयोटा ओमेगा इज अ नेगेटिव सॉरी इमेजिनरी क्वांटिटी. हमने क्या किया, जो रियल क्वांटिटीज थी उनका एक्सपोनेंशियल एक साइड पर लिख दिया और जो इमेजिनरी क्वांटिटीज थी उनका एक्सपोनेंशियल सेपरेट लिख दिया. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल e रे टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा इज अ फेजर, वी नो दैट. जो ट्रिक पॉइंट है वो क्या है, वो ये रियल पार्ट है कि सिग्मा प्लस ए. अब अगर ये सिग्मा प्लस ए ई रेज़ टू पावर माइनस ए प्लस सिग्मा होल इनटू टी, अगर ये क्वांटिटी कन्वर्ज करती है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर ये क्वांटिटी डाइवर्ज करती है तो सॉल्यूशन जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा और सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. सो ट्रिक पॉइंट क्या है, सिग्मा प्लस ए. अब ये जो सिग्मा प्लस ए ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा प्लस ए टी है, अगर हम कहते हैं ये कन्वर्ज करेगा, अब टी की लिमिट हमें पता है जीरो से इन्फिनिटी है, सो दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव. अगर सिग्मा प्लस ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. क्यों, क्योंकि व्हेन टी अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल विल गो टू माइनस इन्फिनिटी. एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी. सो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, सो द सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट. एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी द सॉल्यूशन विल गो टू जीरो, इट विल कन्वर्ज. तो हम कहते हैं कि सिग्मा प्लस ए जो है इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इफ सिग्मा प्लस ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो फिर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल ये जो इक्वेशन नंबर 9.12 है उसमें आता है. और हमने अगर आप देखें तो यहां पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है सिग्मा प्लस ए प्लस आयोटा ओमेगा और गिवन द कंडीशन लग गई है कि सिग्मा प्लस ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अब स्टेप नंबर 9.13 में क्या हुआ, स्टेप नंबर 9.13 वही है. हमने सिर्फ क्या किया कि हमने कहा रियल ऑफ एस जो कि सिग्मा है, हम प्लस ए जो स्टेप नंबर 9.12 में जो कंडीशन थी, हमने क्या किया ए को हम इक्वालिटी के ग्रेटर इक्वालिटी साइन की दूसरी साइड पे ले गए हैं और वो माइनस ए बन गया है. सिग्मा की जगह हमने रियल ऑफ एस लगा दिया कि भाई सिग्मा क्या है, इट इज रियल पार्ट ऑफ एस. और ए प्लस आयोटा ओमेगा की जगह हमने एस लिख दिया है. सो दिस इज द सेम थिंग एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. अगर हमारे पास एक राइट हैंड साइडेड सिग्नल है, दैट मींस यू ऑफ टी बेस्ड टाइम डोमेन में राइट हैंड साइडेड सिग्नल है, इसका मतलब कि यू ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हमारे पास रियल ऑफ एस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस ए. इफ यू अगर हमारे पास यू ऑफ माइनस टी यानी लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल होगा तो फिर कंडीशन जो है वो ए देन रियल ऑफ एस विल बी लेस देन माइनस ए. और ये आप जो है प्रैक्टिस के थ्रू और जो हम टीम में जो हम डिस्कशन करेंगे उसके थ्रू आपको अंदाजा हो जाएगा, वी विल डिस्कस इट देयर.